राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज लगभग 15-10 दिन हो चुके दोस्तों वीडियो नहीं आई, क्योंकि हमारे पार्टनर बीमार हो गए थे अचानक। इनकी तबीयत सही नहीं थी, आज एकदम स्वस्थ हैं। मैंने जो पोस्ट डाली थी उस पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए, आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी हमारे लिए, प्रार्थना की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आप बहुत दुआ दिया मेरे को। अभी स्वस्थ हैं, अभी आपके लिए रेगुलर वीडियोस आती रहेगी। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर बना रहे हैं कलाकंद, तो दूध वाला कलाकंद। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया दोस्तों 5 लीटर प्योर दूध लिया है, एकदम प्योर मिल्क, फुल क्रीम वाला। तो इसका हम कलाकंद बनाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले दूध को गर्म करना पड़ेगा। तो दूध को कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। अब कढ़ाई को दोस्तों भट्टी के ऊपर रख दिया है। अब हम इसको धीमी आंच पर हम कंटिन्यू इसको अच्छा उबाल आने तक पकाएंगे। इसमें शक्कर कब ऐड करनी है, इसमें दाना आने के लिए साइट्रिक एसिड कब यूज़ करना है, सब कुछ आपको स्टेप टू स्टेप पूरा मैं समझाऊंगा। दूध को गर्म करके अच्छा गाढ़े होने तक इसकी जो प्रक्रिया दोस्तों 15 से 20 मिनट तक इसको हमें उबालना पड़ता है, तब जाके ये गाढ़ा होता है। तो आपको सब कुछ आगे समझाऊंगा, वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहे। तो अभी दोस्तों हमने भट्टी स्टार्ट कर दी है, इसको हम लगभग 15 मिनट तक इसको ऐसे ही गर्म करते रहेंगे। ये बढ़िया उबाल आ जाएगा, उसके बाद में हम इसको हल्का सा धीमी आंच पर फिर हम पकाएंगे। दूध को एक बार अच्छे से उबाल आने देना है, उसके बाद ही इसके अंदर हम शक्कर ऐड करेंगे। 5 लीटर दूध के अंदर हमें शक्कर कितनी ऐड करनी है आपको पूरा बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पर 1 किलो दूध होता है, तो उसके अंदर 100 ग्राम शक्कर ऐड करनी, क्योंकि कलाकंद का जो मिठास होता है ना दोस्तों, उसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो 1 किलो में 100 ग्राम के हिसाब से हमें 5 लीटर दूध में 500 ग्राम शक्कर ऐड कर, आप शक्कर कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर देखें तो 1/2 किलो शक्कर 5 लीटर में यूज़ करनी है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध दोस्तों अभी उबाल आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 किलो शक्कर, इसमें ऐड करेंगे। दूध देख सकते हैं एकदम बढ़िया, पूरा एकदम अच्छी तरह से उबल रहा है। अब इसमें शक्कर ऐड करते हैं दोस्तों 1/2 किलो। अब शक्कर ऐड हो गई, अब इसको हम वापस धीमी आंच पर कंटिन्यू लगभग 15 मिनट तक और इसको पकाएंगे, तब जाके ये धीरे 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 जो है दूध गाढ़ा होता जाएगा। एक चीज़ का दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, कलाकंद हो या फिर मलाई बर्फी हो, बनाने के लिए इसको पकाने में जो ध्यान देना पड़ता है वो सबसे ज़रूरी है। इसको हमें शक्कर ऐड करने के बाद धीमी आंच पर ही पकाना है, दूध को ज़्यादा उबाल नहीं आने देना है और इसको कंटिन्यू हमें चलाते रहना है। कंटिन्यू चलाते रहने से जो दूध है वो तले से लगेगा नहीं, तो हमारी जो मलाई बर्फी या फिर जो कलाकंद है बनेगा ना, वो बहुत ही बढ़िया बनेगा और कहीं से भी कोई भी जलेगा नहीं दूध। और कलाकंद को बनाने के लिए दोस्तों जो समय लगता है वो पूरा 1 घंटे का समय लग जाता है इसको पूरा अच्छी तरह से पूरा बनाने में, लेकिन वीडियो को उतना हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है और इसमें आपको जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं, जो मुख्य पॉइंट है वो हम आपको समझाते हैं। अभी इस दूध को हमें कंटिन्यू और 15 मिनट तक उबालना है, तब जाके ये गाढ़ा होगा। अब कितना गाढ़ा करना है उसको हम आपको आगे कंटिन्यू दिखाते रहेंगे। आपको इसका गाढ़ापन दिखा देता हूँ। 15 से 20 मिनट हमने इसको दूध को पकाया है, इतना गाढ़ा ये हुआ है आप देख सकते हैं। अभी भी इसको हमें कंटिन्यू और पकाना है दोस्तों, अभी भी इसको 1/2 घंटे तक पकाना पड़ेगा, तब जाके ये अच्छा गाढ़ापन आएगा। और दोस्तों दूध को हमने कंटिन्यू पकाते पकाते आप देख सकते हैं इतना ये गाढ़ा हो गया है, देखिए इतना गाढ़ा। अब इसको हमें धीमी आंच पर कंटिन्यू इस तरह से इसको और भी अच्छा गाढ़ा होने के लिए चलाते रहना है। अगर आप इसको चलाएंगे नहीं तो ये तले से चिपक जाएगा।
इसको कंटिन्यू हमें इस तरह से चलाते रहना है ताकि ये और भी गाढ़ा हो जाए। अब दोस्तों इसमें देखिए दाना नहीं आया है अभी, तो दाना आने के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर हम साइट्रिक एसिड यह ऐड करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है साइट्रिक एसिड नींबू सत के दाने, जो इसमें हम ऐड करेंगे। इतने सारे ऐड कर दिए, लगभग एक टीस्पून के करीब। अब हम इसको धीरे धीरे इस तरह से चलाते हुए नींबू सत को मिक्स करेंगे। अब इसको हम रखते हैं वापस भट्टी के ऊपर धीमी आंच पर। अब आप देखिए दोस्तों अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब इसको ले लेते हैं हम भट्टी से एकदम नीचे, क्योंकि अभी लगने लग, ये देखिए ये हमारा कलाकंद जो है रेडी। इसको हम एक बर्तन में ले लेंगे गरम गरम। ये देखिए अच्छा बढ़िया दानेदार बन चुका है। ये देखिए अब दोस्तों यहाँ पर कलाकंद के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है जिसके अंदर घी पॉलिश कर दिया है। अब ये जो कलाकंद है इस बर्तन के अंदर लेके जमा देंगे, एक से दो घंटे के लिए इसको रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाएगा। पूरा इसके अंदर ले लिया दोस्तों। अब इस बर्तन को हमें इस तरह से पटकना है ताकि ये पूरा अच्छी तरह से जम जाएगा। अब इसको हम दो घंटे के लिए रख देते हैं ताकि अच्छी से एकदम बट्टी की तरह बट्टी जम जाएगी, फिर हम इसको निकाल कर दिखाएंगे जैसे केक बनी जैसे। अब जो दोस्तों हमने जो कलाकंद जो बनाकर रखा है वो इस डब्बे के अंदर है, इसको हमने पलट दिया है और आपको दिखाता है इसको बाहर निकालना एकदम आसान है, क्योंकि हमने इसके अंदर घी पॉलिश किया था तो ये आसानी से बाहर निकल जाता है। ऊपर से थोड़ा सा इसको पटकना है, इस तरह से आवाज़ लगानी है। देखिए इस तरह से एकदम केक होती है ना, सेम केक की तरह बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कलाकंद केक। तो दोस्तों फाइनली हमने जो है कलाकंद केक बनाकर तैयार कर दिए हैं। अब इसको हम कटिंग करके आपको दिखाते हैं एक पीस निकाल के अंदर से। इसको हमने फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखा है तो ये थोड़ा सॉफ्ट है अभी। अगर आप इसको ठंडे जगह पर रखते हैं तो ये थोड़ा कड़क हो जाता है, लेकिन हमने इसको एकदम नरम जगह पर रखा था तो ये अभी भी सॉफ्ट है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पीस हमने निकाला है, बहुत ही बढ़िया शानदार और बहुत ही स्वादिष्ट हमारा कलाकंद जो है बनकर तैयार हो गया है। आप इस तरीके से घर पर बर्थडे हो तो केक भी तैयार कर सकते हैं, दूध वाला केक। तो दोस्तों आज ये जो हमने कलाकंद बनाया है इसकी जो मेन वजह है वो है हमारे पार्टनर जो वापस हॉस्पिटल से आ चुके हैं, अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं, और उनसे भी मैं आपकी बात करवाता हूं, उनसे ही आप जान लीजिए। राम राम दोस्तों, अभी मैं ठीक हो गई हूं, एकदम स्वस्थ हूं, और आप भी मुंह मीठा कर लीजिए। और हम रेगुलर आपके लिए नए नए और ढेर सारे वीडियो लेके आते रहेंगे, और हमारी खुशियां
आपकी खुशी हमारे ऊपर बहुत दुआ दी है भगवान ने, आप बहुत प्रार्थना की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप सभी के लिए हमने ये बनाई केक, मावा केक, और इनको भी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई, अभी एकदम स्वस्थ हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसी और ढेर सारी वीडियो अब आपके लिए रेगुलर हम लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी घेवर बनाने की रेसिपी, राजस्थानी मलाई घेवर, वीडियो बहुत जल्द आएगी। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।